सर ना बोलिए सर, सुन दो। मैं आप लोगों जैसी नहीं हूँ, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। मैं मुझे जिंदा ही क्यों रखा माँ, मुझे मुझे पैदा होते ही मार देती माँ। मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी जिंदा रह के। मैं सब सुन, देख पुत्र छोड़ दीजिए मुझे, चले जाइए यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, चले जाइए यहाँ। चलिए मम्मी, दी को थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। आई मम्मी, मम्मी प्लीज रोइए मत, दी के बारे में तो सोचिए, कितनी परेशान है वो। मैं की करा की करा जो उसके कलेजे को ठंड पड़ जाए। जिंदगी में किया था सब मिट्टी में मिल गया, हार गई में दुआत अपनी बेटी से ही हार गई। मैं कैसे बचाऊ उसे सब से। इधर देखिए मेरी तरफ, आप अकेले नहीं हो, सुना आपने, अब मैं हूं आपके साथ। इनको सदमा लगा है मम्मी, पर आप देखिएगा जैसे उन्हें आपकी कुर्बानियों के बारे में पता चलेगा ना, पूजेंगी वो आपको, यकीन मानिए मेरा। और आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते हो, सुना आपने, ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते हो आप। आपने तो वो किया है जो दुनिया की कोई मां नहीं कर सकती। चलो अब आसो पूछो, वो सब यहीं आ रहे हैं। वीरे, पापी कैसे हो? और तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे लगा तू उनके साथ आईसीयू में होगा। क्या करूं आईसीयू जाके? यार मुंह फेर के बैठी हुई। मैंने कहा भी कि देखो सॉरी मुझसे गलती हो गई, पर नहीं मानने को तैयार नहीं। अब क्या जान दे दूं? यार पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। तुझे ना लड़कियों के मन की ABCD भी नहीं पता है। ओ यहाँ देख यहाँ, ओ PhD, ओ PhD। ऐसे सूखे से सॉरी से काम थोड़ी ना चलेगा। आफ्टर ऑल हर्ट किया ना तूने भाभी जी को। तू ही बता ले क्या करूं। ये फूल ना बड़े कमाल की चीज है, वो पत्थर दिल लड़कियों को भी पिघला देती है। तो हमारी भाभी तो बड़ी स्वीट सी है, आजमा के देख ले, मान जाएगी, पक्का बात बन जाएगी। और ये फूल वाला आइडिया 100% फूल प्रूफ है, बेट लगा ले। पक्का? ओ पक्का। कैसी है अब तू? ऐसी कौन सी बात हो गई थी तो इतना बड़ा कदम उठा लिया तूने? क्या हो गया? हमसे कोई गलती हो गई? किसी ने कुछ गलत कुछ कह दिया तुझसे? देख ऐसे सर झुकाकर बैठने से कुछ नहीं होगा पुत्र, मैंने वजह जाननी है। तूने हर मन के बारे में सोचा, हमारे बारे में सोचा? कुछ ऊंच नीच हो जाती तो
वो ऐसा क्या हो गया जो जान देने चली तू? मैंने जानना है, अभी बता, बता अभी। वो अस्पताल इस हाल में पहली बार आई है तो कोई नहीं जी, छोड़ो ना, बच्ची है। बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है, बहुत सुन चुके हैं हम। वो बच्ची है तो अपने पास अपने घर में रखते हैं, शादी क्यों करवाई उसकी? दूध रोटी खाते प्रभु के गुण गाते अपनी बच्ची के साथ हम। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबता पला। देखा, मैंने कहता था आखिर बाप के खून ने बेटी को चंगा भला कर दिया है। देखो प्रीतु, डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने को कह दिया है, तो मैं बिल चिल पढ़ के आता हूँ, आप चलने की तैयारी कर लो। मेरे पैंट जी, आप भी साथ में चलिएगा। अभी अभी बिटिया रानी ठीक हुई है तो थोड़ा ढांढस बांध दीजिएगा, दुख सुख बांट के चाचू पी के चले जाइएगा। अब ये फूल शूल की आइटम ना घर जाके ही करना। ओ पापी जी को डिस्चार्ज मिल गया है। आओ जी बहन जी, आओ जी, बिठाओ बहू रानी को यहां पर। ओ बलू ओए, और पानी शानी ले आ, चा ले आ, ते स्पेशल बिस्कुट ले आओ समधन जी के लिए। आइए जी, आइए। पाजी। हाँ जी। ओ पाटिया साहब आए ने, चड्डा साहब आए ने। सत श्रीकाल पाटिया साहब। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल, सत श्रीकाल। तशरीफ तशरीफ। कैसे आगमन हुआ आपका? और तुम्हारा बरसों पुराना सपना जो पूरा होने वाला है। और इनके सपनों की लिस्ट बहुत बड़ी है और उम्र के साथ बढ़ती जा रही है। तुम कौन से वाले सपने की बात कर रहे हो? अरे भंडार चुप है। ओ जी, मैं सबसे पुराना और लिस्ट में सबसे पहले वाले सपने की बात कर रहा हूं। ओ जी, आपके खिलौनों को विदेश में पहचान मिलने वाली है। ओए ओ वीरन ओए, मुबारक वीरन ओए। ये तो अनुवी मुबारक। मेरे खिलौनों को विदेशों में पहचान मिल रही है। हाय हाय हाय। ओ जी, हर साल अमेरिका में होने वाले एग्जीबिशन में इस साल आपके खिलौने भी जाएंगे। इसे कहते हैं खुशखबरी। मजा आ गया, सुने अपनी तो है? इसे कहते हैं खुशखबरी। अरे वाह रक सिंह, मेरा नाम रोशन कर दिया। अब मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ कि हरक सिंह मेरा बाप है। और लफंडर दवा तनु पटर, मैं ही तेरा बाप हूं, कोई शक है? है प्रीतो दास यारन, एक बात बताओ पाटिया साहब, जब से हमने फैक्ट्री लगाई है बस तब से यही सपना देखा है कि मेरे खिलौने जो हैं सारी दुनिया में मशहूर हो जाएं, और खास तौर से अमेरिका में, और गोरों का हर बच्चा मेरे खिलौनों से खेले और हिंदुस्तान की औंधी औंधी खुशबू उसमें आए। आए 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 आए। आज आपकी मेहनत रंग लाई। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं,
उनके थल्ले करते रहते हैं, लेकिन ये जो खुशखबरी हमने आज सुनी है ना, ये पता है किसकी बदौलत सुनी है? हमारी बौरानी की बदौलत। जब से इसके शुभ कदम हमारे कर में पड़े हैं, सब कुछ शुभ ही शुभ हो रहा है। मानो इस घर का सूर्योदय हो गया है। प्रीतो बौरानी जी, देखा बौरानी, सुन लिया कितनी बड़ी खुशखबरी है? जब से आपके शुभ कदम इस घर में पड़े हैं ना, तब से खुशखबरी खुशखबरी है बस। आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मैंने आपको मेरी घर की बहू बनाने का जो मैंने फैसला लिया था, उस फैसले पे मुझे फख्र महसूस हो रहा है। और जी, इस खुशी के मौके पर एक शुभ काम और कर दीजिए। हेलो जी, हुकुम जी। और जी, हमारे गांव में एक नया मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में पूरे 55,000 के चंदे के साथ ही हम जाएंगे। ले, नेकी दे पूछ पूछ। रितो, लिया चेकबुक लिया। सर जी, आपका नाम संगे मरमर पर लिखवाएंगे। मुझे एतराज है जी, एक इल्तजा है मेरी तरफ से पाटिया साहब और चड्डा साहब आपको भी, कि कावन की जगह आपको मैं 1,01,000 देता हूं। संगे मरमर पे नाम आप लिखवाओगे जरूर, लेकिन मेरा नहीं, हमारी बहू का। तो नाम आप लिखोगे संगमरमर पे सौम्या हरमन हरक सिंह। हाँ, लिया जी। ते चेक मैं आपको देता हूं, रब तेरा भला करे। वीरन होए, ले कट दे। आओ जी, लो जी, आओ। हाँ वीरन, जरा बाहर टिकट। हाँ जी भाई, आओ जी। सत श्री अकाल। आज का दिन बहुत शुभ है, तो आज ना कोई जश्न वशन होना चाहिए जी। जश्न? हाँ, मेरा मतलब है कोई नाच गाना। हाँ जश्न। अरे जब खुशखबरी आज मिली है तो जश्न भी आज ही होना चाहिए ना। सही जवाब लफंडल। समदन जी, एक काम कीजिए, आज ना आप आज कहीं नहीं जाएंगी, आज समदी जी को भी यहीं बुला लो, मनिंदर जी को। अभी आप कमरे में जाके आराम कीजिए, शाम को रौला भी पाना है ना। हाँ
मैं दी के लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। हेलो, जैसे बोला था वैसे सब कुछ हो गया। वेरी गुड, अब सब के सब गायब हो जाओ। ओके। ओए लफड़े रे, तू कहाँ चला? और जश्न की तैयारी कौन करेगा? वो ना काम में कुछ कमरा है, नहीं कमरे में कुछ काम है, इसीलिए जल्दी आई। देखा प्रीतो, इसे कहते हैं बिना हथकड़ी के किसी कैदी को कैद करना। अभी मुझे पुलिस नहीं बनानी पड़ेगी उसे पिंजरे में डालने के लिए, क्योंकि अब जो है असली पुलिस आ गई है, उसने ना कैद कर लिया उसको। हैं जी, वो इंसान बन गया इंसान। और जी किस्मत वाली तो सौम्य है, मेरा पुत्र लाखों में एक है, और ऐसा पति नसीब वालों को ही मिलता है, तो किस्मत वाली सौम्य है। इसे कहते हैं मुंह मियां मिठो। हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं, ऐसे ही बस थॉट था। अब मैं इस कमरे में सुन, इतना मत सोच, चल अंदर। और तुम्हारी सांसों की आवाज बस। देखा माँ, क्या किया आपने? हरमन जी ने कितने प्यार से एक एक फूल सजाया है अपने हाथ से, ये एक एक फूल मुझसे सवाल पूछ रहा है, क्या जवाब दूं मां, क्या बोलूं? हरमन जी के प्यार के बदले क्या दूं उन्हें? प्यार कपूर वाला प्यार, कलाई काटने वाला प्यार, हर तरह वाला प्यार, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए।